नमस्कार दोस्तों, फोर व्हीलर की रिपेयरिंग में हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो बॉडी पार्ट में जो डेंट वगैरह होते हैं या फिर कोई छेद वगैरह होता है तो उसकी रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट कैसे की जा रही है। तो अभी आपके सामने एक गाड़ी दिख रही है, इसका फ्रंट डोर के साइड में एक बड़ा सा छेद लग रहा है। तो आइए पूछते हैं हम, ये डेंट किस वजह से हो सकता है और इसका क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे सुधारते हैं, क्या करना चाहिए। तो बताइए, डेंट किस चीज से लगी होगी? ये सर डिवाइडर या ऑटो, माल वाला ऑटो रहता है उससे ये लगा हुआ तो फट गया ये डोर। तो कोई माल ऑटो या डिवाइडर से अंदर की तरफ फटा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सुधार सकते हैं या फिर इसके क्या सोल्यूशन? नहीं, इसको चेंज कर सकते सर। तो ये पूरा डोर को हमें चेंज करना ही होगा। तो ये पूरा अभी डोर निकालेंगे, डोर निकालने के बाद ये डोर का कोई वैल्यू उसको स्क्रैप में चला, तो डोर स्क्रैप में जाएगा, तो डोर का तो कोई काम नहीं है। बट बाकी इसमें जो फिटिंग्स लगे जैसे साइड के कांच वांच हैं, ये भी रिप्लेस होंगे, वो नहीं होंगे? ये सब लग जाएंगे, पुराने ही लग जाएंगे। पुराने ही लगेंगे। तो कौन सा हिस्सा जो है आप रिप्लेस करेंगे, जरा हाथ लगा के दिखा सकते हैं ये कौन सा हिस्सा? अपन ये पुराना लगाएंगे, ये पुराना, ये सब लगाएंगे पुराना, और ये पुराना, ये लॉक पुराना लगाएंगे, और अंदर का जो सामान है बाकी पूरा लोहे का डोर चेंज, पूरा लोहे का डोर चेंज होगा। तो आइए देखते हैं कि इसको, डोर को कैसे हम निकालते हैं, उसमें क्या क्या बोल्ट्स नट्स वगैरह क्या खोलने होंगे, कैसे इसको खोलना है, और फिर वापस इसको लगाने का तरीका भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं अभी दरवाजा खोल लिया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? बोल्ट खोल रहे सर, ये डोर उतारने के लिए यहाँ बोल्ट 10 नंबर बोल्ट लगे रहते हैं, उनको खोलना जरूरी है। तो 10 नंबर की बोल्ट लगी रहती है डोर के साइड में, तो उसको पहले खोलना जरूरी है। तो ये बोल्ट खोल रहे हैं, तो ये इसको पहले पाने से आप लूज करेंगे फिर खोलेंगे, बराबर? तो 10 नंबर के बोल्ट हैं, दोनों 10 नंबर के बोल्ट हैं, तो इन्होंने लूज करके रखा हुआ है, अभी हाथ से इसको खोल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं अब ये बोल्ट खुल गया है। और इसके बाद ये रबर वाली चीज, ये क्या है? वायरिंग कपलर है, ये निकालना पड़ता है जब डोल बाहर आएगा। तो ये वायरिंग कपलर बोलते हैं, सारे वायर्स जो है इसके जरिए अंदर जाते हैं डोर के अंदर, तो इसलिए वायरिंग कपलर को पहले खोलना रहता है। उसको हल्के से दबाने से तो वायरिंग कपलर अलग हो जाएगा। हाँ, तो ये आपको देख रहे हैं कि तीन तीन कपलर होते हैं इसमें, तो 1, 2 और 3 तीन कपलर हैं, तीनों कपलर को हमने खोल दिया है और उसके बाद ये पिन निकालना है। तो जैसे आप देख रहे हैं तीन कपलर अलग हो गए हैं, तो अभी उसके ऊपर जो डोर का जो पिन है उसको निकालना रहता है। उसके लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वो हथौड़ा लेके आए हैं, उसको नीचे से बीच में स्पैनर रखे हैं, स्पैनर के जरिए हथौड़ा यूज करके उसका जो पिन है वो निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर आ गया है वो पिन, उसको उन्होंने हाथ से निकाल दिया, इसको पिन निकल गया है। तो इसी वजह से, इसी के साथ ये डोर अटैच किया रहा। तो अभी फिलहाल हमें पूरा डोर उतारने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको लगा के ही रखेंगे, और इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, जो स्पीकर वगैरह दिख रहे हैं, ये सारा चीज़ हम अलग अलग करके निकाल लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हम ये डोर ओपनर जो है उसमें जो स्क्रू लगी है, इसको किस नंबर स्क्रू ड्राइवर से? ये स्टार स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल रहे हैं। तो स्टार स्क्रू ड्राइवर से इसको पहले ओपन करना है। अब इसी प्रोसेस में इनको एक एक करके स्टेप करके अपने को खोलना है, ताकि पूरी जो दरवाजे में जो भी लगी हुई हैं पार्ट्स वो पूरा निकाल सकते हैं। अब ध्यान में रखिए, ये सारे जो स्क्रूज हैं इसको हम संभाल के रखेंगे। जैसे कि आपने देखा, वो स्क्रू ड्राइवर से उन्होंने उसका जो होल्डर है वो साइड से निकाला है अभी। अब उसके बाद ये अंदर की तरफ एक स्क्रू है, उसको खोल रहे हैं।
अब ये खुल गया है, ये पूरा आर्म जो है उसको हल्के से प्रेशर देके उसको खोल लिया है। उसके बाद इसके आर्म के अंदर की स्क्रूज निकाल रहे हैं। ये निकल गया है, 10 नंबर के दो स्क्रू आप देख सकते हैं, तो इसको हमने निकाल के साइड में रखा है। अब नीचे वो स्पीकर बॉक्स है, उसको हल्के से वो स्क्रू ड्राइवर मार के उसका जो ढक्कन है उसको हमने निकाल लिया है। अब अंदर उसके स्क्रूज देख सकते हैं, अंदर से स्क्रू खोल रहे हैं। स्पीकर के अंदर वाले स्क्रूज हैं उसको खोलना है। उसके बाद जहां वो सामान रखते हैं कप होल्डर है उसके नीचे वाला जो स्क्रू है उसको खोलते हैं। नेक्स्ट ये निकल गए, उसके बाद ऊपर के मिरर खोलने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं मिरर खोलने के लिए वहां पे जो कवर लगा हुआ है उसको हल्के से स्क्रू ड्राइवर से पहले निकालेंगे। बड़े सावधानी से करना है ताकि वो टूट ना जाए, प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, ध्यान से इसको खोलना जरूरी है। ये खुल गया है आपका, और उसके बाद आप अंदर इसके जो स्क्रूज हैं इसके अंदर के स्क्रूज हम ओपन करेंगे। तो कई बार ये गाड़ियों में जैसे आप देख रहे हैं इस गाड़ी में वायर्स लगे हुए हैं, ये जैसे मिरर में जो साइड मिरर में इंडिकेटर्स रहेंगे उसके इंडिकेटर्स के लिए यहीं से पावर जाती है, तो ये कपलर होता है उसको भी निकालना है। वो कपलर निकालने के बाद उसके बाद हम स्क्रूज खोलेंगे इसके, फिर से इसका स्टार स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे और इसको खोलेंगे। इसको ध्यान से बाहर निकालना है, अंदर न गिरे। और उस तरफ से एक और स्क्रू है उसको भी खोल रहे हैं। अभी पूरा निकल गया है, अब उस तरफ से हम देख सकते हैं कि ये पूरा कांच का जो सेटअप है ये निकल चुका है, और इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल तार भी दिख रहा है, कपलर दिख रहे हैं। तो ये तीन निकल गया है, इसको ध्यान से रखिए। इसमें एक लास्ट स्क्रू है उसको भी ओपन करके फिर उसके बाद हम ये पूरी पैड खोल लेंगे। आराम से इसको पूरे पैड को निकाला जा रहा है, सारे स्क्रूज निकल चुके हैं। तो हल्का सा वो स्क्रू ड्राइवर अंदर लगा के उस पे जो लॉक जैसी चीजें लगे हुए हैं उसमें से पूरा बोर्ड को हमने अभी निकाल लिया है। आप अंदर देख सकते हैं एक स्पीकर में वायर लगी है, तो स्पीकर का वायर ध्यान से उसको निकालना है ताकि स्पीकर भी अलग हो जाए। अब स्पीकर की वायर भी निकाल लिया, अभी हमारा पूरा जो है ये जो पूरी पैड बाहर निकल आई है। अब इसको आराम से इसको साइड में रखेंगे। अब आप देख सकते हैं पूरा सेटअप जो है आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये डोर के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हैं, क्या पार्ट्स हैं, ये आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हम इस पे जो पन्नी लगी हुई है उसको हम खोलते हैं। ये पन्नी बस चिपकाया लगा रहता है इसमें, तो उसको हल्के से इसको निकाल रहे हैं।
जैसे आप देख रहे हैं ये पूरी पन्नी आपकी निकल रही है, ये पॉलिथीन शीट जैसा है। तो ये पूरा पार्ट निकल चुका है। तो अभी पन्नी निकाल लिया है, इसके बाद ऊपर के जो रबर्स हैं वो निकाल रहे हैं हम। तो ये भी हल्के से स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा दबा के, दोनों तरफ से रबर निकल रही है। ये रबर निकाल दिया है हमने। तो ये अभी हम वापस इस कपलर को जोड़ रहे हैं, तो इनको जोड़ के अभी पावर सप्लाई चालू करेंगे। तो अभी गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कांच वगैरह को हम खोल के फिर निकालेंगे। तो गाड़ी को हमने अभी स्टार्ट किया है, पावर सप्लाई चालू हो गई है। तो अभी पावर सप्लाई चालू क्यों किया हमने? ये इग्निशन ऑन किया सर, कांच ऊपर करने के लिए। तो कांच ऊपर करने के लिए हमने पावर सप्लाई चालू किया है। तो अभी वो कांच को ऊपर करेंगे। तो कांच को ऊपर कर लिया। ये कांच को अलग करने के लिए दो बोल्ट लगे रहते हैं, इन दोनों बोल्टों को हमें खोलना रहता है, उसके बाद ही ये कांच अलग हो सकती है। तो उसको दो बोल्ट हैं, दोनों बोल्ट हमने खोल दिए हैं। अब ऊपर से इसको आप देख सकते हैं कि आराम से ये कांच जो है बाहर निकल गई है। अब ये कांच को अलग से हम सेफली रख देंगे। अब उसके बाद ये जो ऊपर नीचे करने वाला जो सिस्टम है उसको हम निकालेंगे। उसमें जो कपलर है जिससे पावर आती है, ये कपलर को खोलना है। कपलर का जो बांधा हुआ है, दरवाजे से जो बांधा हुआ है क्लैंप जो रहती है, वो क्लैंप खोल के उसके बाद कपलर को निकाल देते हैं। कपलर निकालने के बाद उसमें अभी पावर सप्लाई कट हो गई और नीचे वाला एक बोल्ट है उसको खोलते हैं हम। ये कितने नंबर? 10 नंबर बोल्ट। तो पाने से ये 10 नंबर का जो बोल्ट है वो अपन खोल रहे हैं अभी। उसके बाद ऊपर की तरफ ऐसे ही दो और 10 नंबर के बोल्ट दिख रहे होंगे आपको, तो वो भी हम ऊपर की तरफ से हम खोल रहे हैं। दस नंबर की जो टॉमी है उससे भी हम खोल सकते हैं, तो इससे आसानी से खुल जाएगा। तो ये टूल आप देख रहे हैं, 10 नंबर की जो टॉमी टूल है उससे भी हम इसको ओपन कर रहे हैं। आप सामने की तरफ से भी देख सकते हैं ये तीनों निकल चुके हैं। इसके बाद बाकी जितने भी हमारे 10 नंबर के बोल्ट हैं, सारे 10 नंबर के बोल्ट हम इस टूल के जरिए हम निकाल देंगे। तो जैसे भी पहले बताया था हमने, तो इस कार्य के लिए हमें सिर्फ वो लोहे का जो पोर्शन है वो बदलेगा, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। तो इसलिए ध्यान से सारे जो पार्ट्स हैं उनको अलग करने होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अब पूरा सिस्टम खुल गया है, यही कांच को ऊपर नीचे करता है, यही सिस्टम कांच को ऊपर नीचे करता है। तो ये पूरा सिस्टम हम बोल्ट को निकालने के बाद ये पूरी सिस्टम अब बाहर निकल रही है। इसको ध्यान से हमने बाहर निकाला हुआ है और ये पूरा जो सिस्टम है यही कांच को ऊपर नीचे करता है, और ये सिस्टम जो है हमने अभी अंदर से बाहर निकाल लिया है। और इसके बाद जो बचे हुए हैं सेंट्रल लॉकिंग का जो सिस्टम है उसको हम निकालेंगे नेक्स्ट। तो ये जैसे आप देख रहे हैं जो
स्क्रूज अभी खुले जा रहे हैं, वो सेंट्रल लॉकिंग के सिस्टम है। तो उसको भी स्क्रू ड्राइवर से खोला जा रहा है। अब उसका जो क्लैंप है उसको हम खोलेंगे। स्क्रू ड्राइवर के जरिए क्लैंप को खोल दिया है और उसमें जो कपलर लगी हुई है जिससे पावर सप्लाई होती है, वो कपलर को हम अलग करेंगे। और अलग होने के बाद पूरी सेंट्रल लॉकिंग की जो सिस्टम है बाहर निकल आ जाएगी। तो ये सेंट्रल लॉकिंग का सिस्टम हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद वायरिंग जो बची हुई है वो वायरिंग पूरा, जो सप्लाई की वायरिंग है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, वो वायर पूरा हम बाहर निकाल रहे हैं अभी। तो उस पे जो क्लैंप्स वगैरह लगे हुए हैं वो खोल के इसको हल्का सा दबाने से वो अंदर की तरफ चला जाएगा और पूरी जो वायरिंग है वो हम निकाल लेंगे अभी। जो पावर सप्लाई हमने कनेक्ट किया था वो पावर सप्लाई को भी हम अलग कर देंगे, वो कपलर भी खोल देंगे। और वो रबर के साथ साथ पूरी हम वायरिंग जो है बाहर निकाल लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं उस साइड में जो रबर लगा हुआ है उसके अंदर से वायर्स जो है सब बाहर निकले हुए हैं। तो रबर का जो कुशन है उसके साथ साथ पूरे वायर्स जो है बाहर आ रहे हैं। ये वायर्स निकालते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये लापरवाही होगी तो इसमें कोई भी वायर टूटने का चांस रहता है, और अगर वायर टूट जाता है तो फिर उसका पता करके उसको जोड़ने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए ज़रा ध्यान से जब उसको अंदर से खींच रहे हैं, एक हाथ दरवाजे के अंदर रखेंगे और दूसरा इधर से तार खींचते जाएंगे तो बड़ी आसानी से सारा तार जो है, अंदर जितनी भी वायरिंग है वो पूरा वायरिंग बाहर निकल आएगा। तो ये पूरी वायर जो है हमारी बाहर निकल चुकी है, यही है पूरा सप्लाई, पावर सप्लाई यही करता है अंदर की तरफ। तो इसका हमने पूरे अच्छे से बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद हम डोर स्टॉपर जो है उसको भी हम 10 नंबर पाना इस्तेमाल करके उसका जो बोल्ट है वो निकाल के उसको भी हम अलग कर रहे हैं अभी। डोर स्टॉपर का बोल्ट निकल गया। तो ये पूरा डोर स्टॉपर आपके सामने निकल चुका है। ये दो हमने बोल्ट निकाले हैं, बोल्ट निकालने के बाद ये डोर स्टॉपर निकल चुका है। इसके बाद हम डोर्स के लिए जो स्टील चैनल रहती है तो वो स्टील चैनल को भी अभी हमें निकालना रहता है। उसके लिए वही टॉमी से हम 10 नंबर की टॉमी से हम बोल्ट्स निकाल रहे हैं और अंदर से वो स्टील चैनल जो है इसको हमने निकाल लिया। तो इसी के साइड से कांच ऊपर नीचे होता है,
फिर उसके बाद ये ऊपर के जो रबर है उसको हम खींच के खोल लेते हैं। पूरा रबर हमने निकाल लिया है। फिर उसके बाद डोर लॉक को हम खोलने वाले हैं। तो साइड में जो लॉक्स हैं उसको हम, तीन स्क्रूज लगे हुए हैं उसको, तीनों को निकालते हैं। अंदर की तरफ से हाथ लगा के इसको डोर का लॉक है एक, उसको होल्ड करने के लिए अंदर से एक लॉक लगा रहता है, तो इधर क्लिप रहता है फिट करने के लिए, तो वो क्लिप को ऊपर की तरह निकालेंगे। तो क्लिप निकालने के बाद यहाँ से बाहर से आपको ये लॉक निकल आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये क्लिप अलग हो, ये क्लिप अंदर कैसे फिट होता है इसके अंदर, ये ऊपर ऐसी फिट लगी रहती है अंदर, तो पहले वो क्लिप को ऊपर निकालेंगे उसके बाद ये लॉक अलग हो जाएगा। दो क्लिप निकालने के बाद ये पूरी लॉक बाहर निकल जाती है। उसके बाद ये डोर एंड को भी, ये लैच खोलने के लिए वो डोर एंड, ये डोर एंड निकालना है। और उसके जितने स्क्रूज हैं उसमें भी दो स्क्रू लगे हुए हैं, ये दोनों स्क्रू, हैंडल जो है हैंडल इससे निकल आ जाएगा। ये होने के बाद फिर डोर लैच में एक ये स्क्रू लगा रहता है, इसको भी खोल देंगे, डोर लैच का स्क्रू खुल जाएगा। उसका हल्का सा प्रेस करके फोर्स देने से ये अंदर की तरफ जाएगा। ये जैसे अंदर की तरफ चला जाएगा, फिर उसके बाद ये जो डोर, ये पूरा डोर का सिस्टम है, ओपनिंग और क्लोजिंग वाला सिस्टम, ये पूरी सिस्टम हमारी बाहर निकल गई है। एक बार ये निकलने के बाद हम ये डोर का जो हैंडल है उसको हम ओपन खोलेंगे। अभी ये हैंडल खोलने के लिए हैंडल के नीचे एक स्क्रू रहती है, तो वो स्क्रू हम खोलेंगे। ये दो स्क्रू हैं, दो स्क्रू निकल गए हैं। उसके बाद डोर हैंडल जो है हल्के से इसको दबाएंगे तो ये हैंडल बाहर, ऐसे दबाने से हैंडल बाहर निकल आएगा। तो ये हमारा हैंडल भी निकल चुका है अभी। इसके बाद जो है हमें ये नीचे जो डोर की लाइनिंग है उसके क्लिप्स खोल के ये लाइनिंग निकालना रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं इसको हल्के से स्क्रू ड्राइवर से हमने ये मारा तो फिर ये पूरी जो डोर लाइनिंग है वो निकल आएगी। ये पूरी डोर लाइनिंग हमारी निकल गई है। तो हैंडल के जो क्लिप्स हैं वो सारे क्लिप्स हम ध्यान से उसमें से निकाल के रखेंगे। फिर उस पर जो भी क्लैंप्स वगैरह लगने का जो भी क्लिप था वो सारे क्लिप हम अलग करके रखेंगे। उसके बाद नीचे का जो रबर है वो हम खोलेंगे। इस पे भी क्लिप जैसी लगी रहती है तो उसको हल्का सा दबाने से वो रबर बाहर निकल आएगा।
पूरी रबर नीचे की भी निकल गई है। डोर लाइट वाली क्लिप्स वो लगी हैं, तो जितने भी क्लिप्स उसमें बचे हुए हैं सारे क्लिप्स हम निकाल लेते हैं, क्योंकि यही वापस यही क्लिप दूसरे दरवाजे में भी लगेंगी। अब ये पूरा जो दरवाज़ा है इस पे जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने निकाल ली है। अब इस दरवाजे को कैसे निकालेंगे, इसको हल्के से ऊपर करके ये पूरा दरवाज़ा आपका निकल चुका है। हाँ, तो जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा दरवाज़ा हल्के से ऊपर उठाने से ये पूरा दरवाज़ा निकल गया है। अब इसके जगह पर हम पूरा नया दरवाज़ा जो है फिट करेंगे। जैसे दोस्तों आपने देखा है कि ये पूरा जो डोर निकालने का जो तरीका है वो आपने देखा है। अब इस डोर का कोई यूज़ नहीं है, इसको तो स्क्रैप में बेचना है। बाकी हम इसके जगह पे नया डोर जो है पेंट करके, इसी रंग का पेंट करके हम इसमें नया डोर लगा देंगे। तो जैसे आपने फ्रंट डोर का देखा है उसी तरीके से आपको बैक डोर का भी अगर रिमूव करना है, पूरा बैक डोर उतारना है तो भी सेम प्रोसेस रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में जो भी पिंस नट्स वगैरह लगे हैं उसको खोल के उसके बाद ये जो पूरा सेटअप है फ्रंट डोर जैसा ही है लगभग, तो उस हिसाब से आप पूरा का पूरा इसको निकाल के अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे स्क्रू नहीं होगा, बस वो एक ही अंतर है फ्रंट डोर और बैक डोर में निकाल सकते हैं, इसको पूरा ओपन कर सकते हैं, तो ये काफ़ी आसान तरीके से निकल जाएगा। जो डोर हमें लगना है, दरवाजा जो लगना है, वो अभी पेंट बूथ के अंदर रखा गया है, पूरी पेंटिंग हो गई है इसकी, अभी सुखाने के लिए रखा गया है। तो जैसे हमने पहले बताया था पेंट बूथ के अंदर ऊपर से गर्म हवा आता है और उसी हवा में ये पूरा सूख जाता है, सूखने के बाद फिर फाइनली ये गाड़ी में चढ़ाया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपने दरवाजा निकालने का जो तरीका है उसको अच्छे से सीखा होगा। आगे इस दरवाजे को कैसे लगाना है इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।